राजधानी लखनऊ उत्तरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक एवं प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा के समर्थन में भाजपा के पदाधिकारियों ने समर्थन किया। वही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात भी सुनी गई। साथ फैजुलागंज वार्ड पार्षद अमित मौर्या ने कहा कि इस बार और बड़ी जीत होगी जिसका अंतर बहुत बंगा होगा। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। तक आखिरी है तो कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये बताइए कि यहाँ पर जो बीजेपी के 173 171 का जो मामला चल रहा था कि इतनी सीटों पर बदलाव होगा, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की धड़कनें बढ़ी रहीं। लास्ट में आपका भी लगभग लगभग मध्य से फिर उत्तर पर आ पाए, तो सर कौन सा समीकरण बैठा है बीजेपी ने और आपने? नहीं नहीं, वो समीकरण कोई नहीं बनाया जाता। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, सैनिक हैं। जैसे फौज में होता है कि फौज में ऊपर से आदेश आता है कि आज इस बॉर्डर पे काम करना है, आज उस बॉर्डर पे काम करना है। लेकिन हमें विश्वास था कि पार्टी हमारा जो किया गया पूर्व में कार्य है उसको देखते हुए हमको पुनः मौका देगी। ये नेतृत्व का अपना डिस्क्रिशन होता है और उसने अपने डिस्क्रिशन से निर्णय लिया। वो जहाँ भी भेजते वो हम वहाँ पे कार्य करते और उन्होंने हमको यहीं पर कार्य करने के लिए कहा है तो हम यहाँ पे काम करेंगे और हम नेतृत्व का आभार प्रस्तुत करते हैं। ये बताइए कि 10 मार्च को क्या लग रहा है कि कितने सीटें बीजेपी लेकर के आने वाली? 300 पार होगा, बिल्कुल पार होगा। ऐसी लहर चल रही है, लोगों ने विश्वास किया है कि कोरोना की लहर में दो वर्षों तक ये सारी पार्टियाँ गायब थीं, नदारद थीं, और जनमानस के बीच में अगर कोई काम करने वाले लोग थे उस विभीषिका में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने दुख सुख में उस समय लोगों का साथ दिया, उस विभीषिका में साथ दिया। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी प्रथा है, संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो दुख में काम करने के लिए उपस्थित रहे तो समझो कि वही सच्चा मित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की सच्ची मित्र के रूप में उसने स्थापित किया है, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट बदल दिया आपकी बार जी, आप खुश हैं? नहीं, हम तो उन्होंने जो कैंडिडेट दिया है, हमने सुना है ऐसा कि वो कैंडिडेट पहले आईसा का मेंबर था और पहले नारा भी लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, इस तरीके के नारे उस प्रत्याशी ने शायद लगाए हैं। सब लोगों ने मुझे जानकारी दी है, मुझे जो जानकारी लोगों से प्राप्त हुई उस हिसाब से भी उन्होंने ये जानकारी दी है। जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं, जो आतंकवादियों को ये कहें कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो मेरा ख्याल उत्तर की जनता ऐसे लोगों को बहुत अच्छा जवाब देना जानती है। और गुजरात से पधारे बड़ौदा के पूर्व महापौर और जो हमारे जैसे लखनऊ में प्रवासी गुजरात के जो प्रवासी हैं उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे भरत भाई जी हैं। मैं चाहूंगा कि दो मिनट भरत भाई जी आप सबको संबोधित करें। आप तो सब बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो निश्चित ही अब भारत पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नामांकन होगा, नीरज बोरा जी ने बताया, तो उसमें किस प्रकार का हुजूम होगा और क्या रणनीति? हम लोग बड़ा शांति और से जाएंगे और नामांकन कराएंगे। हुजूम तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए हम लोग क्या एजेंडा रहेगा इस बार पार्टी का? एजेंडा 350 पार रहेगा। और जो उन्होंने विकास कराया है, अभी एक बंधा बनवा रहे हैं, वो बंधा किनारे 6 लाइन बनवा रहे हैं, 2100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। वो अकाना स्टेडियम जो देखा है आपने, वहाँ पे जाएगा। तो हम लोगों को जाने आने में भी, और हमारे जो बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है फजुल्लागंज में, जो बाढ़ आ जाती है जिसको पिछला इलाका कहा जाता है, वो गोमती नगर की तरीके से। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे फीते काटने का काम किया गया। उनका कुछ नहीं, वो तो जो है आए दिन बलात्कार कर देते थे सड़कों पर और गुंडा राज फैलाए हुए थे। जब हम लोग जाते थे हाईवे से, जैसे इटावा हमारा जिला भी पड़ता है, इटावा उनका भी जिला है, तो रास्ते में लूट लिए जाते थे हम। तो शांति है जो है, बाबा जी फिर से आएंगे, योगी बाबा से। जैसा कि नीरज बोरा जी पर पार्टी ने पुनः भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मैदान में अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी उतारे गए हैं जी जी, तो किस प्रकार का इस बार चुनावी दंगल होगा? इस बार चुनावी दंगल और भी शानदार होगा, जबकि क्योंकि माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी ने पिछले 5 सालों में इतना काम किया है, अगर दिन देखे जाए तो लगभग 1500-1600 दिन हो रहे हैं, उनमें लगभग विधायक जी ने 1000 से ऊपर सड़कें बनवाई हैं और 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए।